हेलो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनका रोल क्या होता है और उनकी पहचान क्या होती है, कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका जो हिंदी सेंटेंस है तो उसमें पहचान क्या होती है, देखिए हिंदी सेंटेंसेस में पहचान क्रिया में या फिर क्रिया के साथ का है, ती है, ते हैं, ता हूं, ये वाले शब्द जुड़े होते हैं क्रिया के साथ यानी वर्ब के साथ। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल को हिंदी में बोलते हैं उदाहरण, वह रोज स्कूल जाता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये वर्ब है जा, यानी इसके साथ जो ये जा लिखा हुआ है इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ता, और इसमें है लिखा हुआ है आगे। तो इसी टाइप से यानी जितने भी सेंटेंसेस होंगे अगर उसमें ता है, ती है, ते है या ता हूं, ऐसे वाले शब्द जुड़े होंगे तो समझ लीजिए कि वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट पे और प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बस थोड़ा सा ही फर्क है कि अगर आपको, पहले मैं यहां पे लिखता हूं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट अगर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, यानी सेंटेंस इस तरीके से लिखे हुए हैं जैसे आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, तो इसमें जो पैटर्न है यानी इसकी जब हम हिंदी लिखेंगे मैं एक डॉक्टर हूँ, तो इसका जो पैटर्न है तो वो ये वाला पैटर्न नहीं है, ये वाला, यानी इसमें कोई खास वर्ब नहीं है, खास क्रिया नहीं है, बस हमने यहाँ पर एम का यूज किया और उसके बाद ये अ डॉक्टर का यूज किया है। इसी टाइप से अगर सेंटेंस आप ऐसे लिखें ही इज अ टीचर, तो यहाँ पर देखिए इज का यूज किया गया और यहाँ पर हमने अ टीचर को इसके साथ कंबाइन कर दिया यानी सेंटेंस को पूरा कर दिया। ऐसे ही आर भी आ सकता है, जैसे मैं कहूं दे आर माई फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहां पर हमने आर का यूज किया और इसके साथ हमने कोई भी यहां पर कॉम्प्लीमेंट जोड़ दिया जैसे माई फ्रेंड्स लिख दिया, तो ये तो हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट। है ये भी प्रेजेंट में ही क्योंकि इसमें इज एम आर का यूज किया गया है, लेकिन जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होती है तो हम ये वाला पैटर्न लेकर चलते हैं, ये वाला ता है, टी है, ते है, ता हुआ है। तो मैंने यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा था वह रोज स्कूल जाता है, इसकी जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो इसका जो इंग्लिश रूल होता है यानी सेंटेंस को हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का जो रूल होता है वो ये होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया, ये छोटा सा रूल है इसमें। और एक चीज का इसमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज करेंगे आप, जैसे गो है तो गो की जगह आप गोस का यूज करेंगे, और इसी टाइप से ड्रिंक जो वर्ड है तो उसमें ड्रिंक्स का यूज करेंगे, गो गोज हो गया, ड्रिंक का ड्रिंक्स हो गया, और ईट का ईट्स हो गया, कम का कम्स हो गया, इस टाइप से और भी वर्ड्स हो सकते हैं ये, एटसेट्रा हो गया यहाँ पे, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और अगर प्लूरल है, प्लूरल है तो उसमें ये वाला रूल नहीं चलेगा, बस आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये छोटा सा रूल लेना है। अब देखिए हमारा जो सेंटेंस है यहाँ पर वो ये वाला है,
वह रोज स्कूल जाता है। इसी टाइप से आप बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये वह है, ये लड़का है, जाता है, तो सबसे पहले तो आप इसकी इंग्लिश लगाएंगे ही, और उसके बाद आप ये देखिए कि ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की एस एस या ई एस वाली फॉर्म आपको लगानी है, ठीक है। यानी गो की जगह गोज लगाएंगे, इस टाइप का वर्ड यूज करेंगे जिसमें एस या ई एस लगा हुआ हो, यानी वर्ब का यूज। तो यहाँ पर जो वर्ब है हमारी जाता है, तो जाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं गो, तो ये गो की जगह हो जाएगा गोज, ही गोज हो गया। अब कहा जाता है स्कूल, तो यहाँ पे लिखेंगे टू स्कूल, ये आ गया। और रोज की इंग्लिश सबसे आखिर में, यानी डेली। तो इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के। सिंपल प्रेजेंट मैंने आपको बता ही दिया है, जिसमें हम इज एम आर का यूज करते हैं और सिंपली इस तरीके से सेंटेंसेस लिखते हैं, यानी इज एम आर का यूज करते हुए, तो वो तो सिंपल प्रेजेंट कहलाएंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपको ये वाला रूल फॉलो करना होगा, ये वाला रूल अप्लाई करना होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब की एस या ई एस वाली फॉर्म लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट में आपको सिंपली एस यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला रूल लगाना है। छोटे छोटे सेंटेंस से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे ही ड्रिंक्स, आई ड्रिंक, ऐसे करके, और आई ईट। अगर अब जैसे यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं जोड़ा है, जैसे ही ड्रिंक्स का मतलब क्या हो गया, वह पीता है। आई ड्रिंक का मतलब हो गया मैं पीता हूँ। आई ईट का मतलब हो गया मैं खाता हूँ। अगर आप इसमें कोई ऑब्जेक्ट जोड़ना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। मतलब पैटर्न यही रहेगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे एस ये ई एस वाली वर्ब क्यों आई, यहाँ पर ड्रिंक्स क्यों आया, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए हमने यहाँ पे ड्रिंक की जगह ड्रिंक्स का यूज किया। इसी टाइप से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जिनमें ये वाले शब्द आते हैं, आप पहचान कर लीजिए वो सेंटेंस होते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ठीक है। और सेंटेंसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ही कम्स टू मी, यहाँ पे कम्स आया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर मैं इसकी जगह लगाऊं दे, तो यहाँ पर अब कम आएगा, दे कम टू मी, इस टाइप से। अगर मैं आई का यूज करूंगा तो आई को भी प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं, आई कम हेयर, इस टाइप से हम लगा सकते हैं।